अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत मज़े में हूँ। मज़े बोला मैंने, सांस फूल रहे। एक्सरसाइज कर रही हूँ। मौज़म की शादी की तैयारियाँ। गोल गोल क्या है? वेट लॉस। अल्लाह करे हो जाए। प्लीज़ 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 प्लीज़। तो सुबह के बज रहे हैं 10। सुबह को स्कूल भेज के मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। तो जी दोस्तों, डाइट पर हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ आजकल फ्रूट्स। तभी मैं खा रही हूँ तरबूज। क्या मैं पतली लग रही हूँ? मैं हर वक्त यही पूछती रहूँगी, क्या मैं पतली लग रही हूँ, क्या मैं पतली लग रही हूँ। आप लोग प्लीज़ बेयर विद मी, ओके। अच्छा दोस्तों, एक बात और कि मुझे पतला एज एन ऐसा पतला नहीं होना, मुझे बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना वेट अपना, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा पतले हो के ना, पता नहीं क्यों मैंने देखा है वो जो एक बबली और क्यूटी क्यूटी होता है ना, हम लोग मोटे मोटे लोग, वो ख़त्म हो जाता है। तो बस मुझे इतना वेट लूज़ करना है कि जब मैं मौसम की मेहंदी पर डांस करूँ तो मैं एकदम ब्यूटिफुल लगूँ, मतलब पिक्चर्स अच्छी आए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के मैं थोड़ी सी हेल्दी होना चाह रही हूँ, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये भी चल रहा है आजकल, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया कि मेरा नी का प्रॉब्लम चल रहा है। लेट मी फिनिश। नी का प्रॉब्लम ये चल रहा है कि मैं टूर पे गई थी, कुछ लोगों को पता है कि मेरी नी पे मेरी एक दोस्त गिर गई थी तो एयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था तब। तो उस वक्त किसी ने सीरियस नहीं लिया, समीर ने भी, उसको लगा कि मैं ज़्यादा चूचू करती हूँ ना, मतलब मैं ज़्यादा एग्जैजरेट करती हूँ चीज़ें। तो उसको लगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि बाज़ाहिर कुछ था नहीं, ना स्वाइलिंग थी ना ऐसा कुछ था, बस मुझे तकलीफ़ थी। मैं बोली थी मुझे बहुत तकलीफ़ है, ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। उसने बोला खरा तुम ज़्यादा कर रही हो। तो उस वक्त उसने सीरियस नहीं लिया, उसके बाद वो तकलीफ़ बढ़ गई उसकी, क्योंकि फ़ौरन मैं आई थी अक्टूबर में टूर से ना, नवंबर में हम गए थे, मिड ऑफ नवंबर और अक्टूबर में आए थे। तो क्या कहते हैं, फिर भाई की शादी थी, मैं क्या बोल रही हूँ, मिड ऑफ नवंबर गए थे और अक्टूबर में आए थे। क्या मैं पागल हो गई हूँ, क्या मेरा दिमागी तवाज़न खिसक चुका है, पता कि क्या बोल रही हूँ। हम लोग गए थे, सॉरी, अक्टूबर में हम लोग आए थे, सब चीज़ मिक्स कर दी मैंने, नवंबर में हाँ अक्टूबर में हम लोग आए थे या अक्टूबर में हम गए थे, अक्टूबर में हम आए थे, सितंबर में हम लोग गए थे, मिड ऑफ सितंबर या एंड ऑफ सितंबर हाँ हम गए थे, और स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर हम आ गए थे, मतलब 10 से 15 दिन का हम लोग का टूर था। हाँ, और फिर दिसंबर में भाई की शादी थी, तो पता ही नहीं चला जब मैं आई। तो शादी की फ़ौरन तैयारियों के भाभी का जोड़ा अम्मी ने फाइनल किया हुआ था, वो देखने गई, भाभी की चीज़ें रह गई थी वो सब करनी थी जल्दी जल्दी, वो सब किया। कपड़े तो ले लिए थे हमने, पहले ही सिलने देने थे एंड टाइम पे ना, तो वो सिलवाने के लिए भागा दौड़ी लगी रही, तकलीफ़ बढ़ती चली गई। डॉक्टर को दिखाया फिर जाकर, तो डॉक्टर ने बताया, तो तब दिखाया जाके दिसंबर में भाई की शादी फ्री होने के बाद। भाई की शादी निमटी है 15 को, उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया 20 या 25 को। तो डॉक्टर को दिखाया, उसने बताया एयरलाइन फ्रैक्चर है, उसने बताया कि इस तरीके से आराम करना है, फिजियोथेरेपी करानी है। उसके बाद वो दवाइयाँ शुरू करी, फिजियोथेरेपी शुरू करी, तो पता चल गया जनवरी में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो डॉक्टर ने सब बंद कर दिया कि कोई मेडिसिन नहीं लेनी फजूल की और कोई फिजियोथेरेपी वगैरह भी नहीं होगी, तो वो सब चीज़ें बीच में ही छूट गई। फिर क्या था, फिर बस जॉब थी और काम था, सुबह हुई, हाँ फिर वक्त गुजर गया। इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया, फिर भूल गई इस चीज़ से, क्योंकि दर्द भी रफा दफा हो गया तो मैं भूल गई फिर उस चीज़ को कि एक कभी कोई चोट लगी थी, कभी कुछ बोला था डॉक्टर ने, जहन से निकल गया क्योंकि दर्द चला गया, यही होता है। उसके बाद जब सर्दियाँ आईं, पिछले साल की बात है, तो मुझे ये दर्द उठा,
तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो किसी ने MRI बोला, किसी ने बोला घुटने में इंजेक्शन लगेगा। वो भाई मैं तो डर गई, मैंने कहा क्या हो रहा है ये। फिर खैर जिस डॉक्टर ने MRI का बोला था, लाइफलाइन में दिखाया था, उसने दवा दी थी, मैंने उसकी उसने बोला दवा खाएं और MRI करवा के फिर रिपोर्ट लेकर आएगा, क्योंकि मैं ऐसे देख के नहीं बता सकता, क्योंकि ना स्वेलिंग है ना कुछ ऐसा हड्डी का इशू लग रहा है ना टिश्यू का इशू लग रहा है, तो MRI होगा उसमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली इशू क्या है। तो खैर MRI नहीं करवाया मैंने, और मैंने दवा ले ली, दवा खाई, दवा से आराम आ गया, उसके बाद फिर भूल गए। फिर अभी हमारे घर में दावत थी तो सीढ़ियों के चक्कर लगे हमारे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और उसके बाद जो रात में दर्द शुरू हुआ है दावत के बाद जो था, शायद उस टांग पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ा ना, क्योंकि मैं पतीले रेके ऊपर ऊपर नीचे जा रही थी, छत पे थी दावत ना, वही दावत जिसकी मैंने वीडियो भी डाली थी, उसके बाद मेरी टांग मतलब मैं लंगड़ा के चली हूँ, एकदम लंगड़ दीन बनी हुई हूँ। तो फिर डॉक्टर को दिखाया, मैं रो भी रही थी कि यार ये क्या तोता पल गया, अजीब, क्या पूरी लाइफ ऐसा ही रहेगा। खैर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि आपकी हड्डी का कोई इशू नहीं है, आपके टिश्यू का कोई इशू नहीं है, TU क्लिनिक में दिखाया है ना डॉक्टर खान आज़म को, तो उन्होंने बोला है कि आपका जो टिश्यू डैमेज हुआ था उस वक़्त, टिश्यू फटते हैं, जैसे फटते हैं तो ज़ाहिर उसके टुकड़े होते हैं ना, जैसे फटता है तो बोले शायद जो पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल आपके जो चबनी हड्डी होती है जॉइंट के बीच में भी एक चबनी हड्डी होती है ब्लू रंग की, वो दिखा रहे थे, बोले इसके अंदर ना वो चुभ रहा है, जिसकी वजह से आपकी चबनी हड्डी सॉइल हो रही है। मेरा घुटना मुड़ ही नहीं रहा था, उस इतना स्ट्रेस आया ना वो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की वजह से, कि उस शायद उस पर प्रेशर पड़ा हो, तो इस वजह से ना क्या हुआ कि मेरा घुटना मुड़ नहीं रहा था, बिल्कुल ही नहीं मुड़ रहा था मतलब, और इतनी तकलीफ ना इतनी तकलीफ, चला ही नहीं जा रहा था। तो उसने बोला उसमें स्वेलिंग आ गई, इसकी वजह से आपका घुटना मुड़ नहीं रहा है। उसने मेडिसिन दी है अभी 2-3 हफ्ते, 1 हफ्ता तो हो गया है, 1.5 हफ्ता हो गया है, 3 हफ्ते अभी दवा खाने के बाद, फिजियोथेरेपी करवाने के बाद, फिर उसने बोला है कि मुझे बताइए कि कितना पेन कम हुआ है, नहीं हुआ, अगर तो कुछ आराम नहीं आता तो फिर वो बोल रहे थे कि आपकी सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, पता नहीं कौन सी सर्जरी बता रहे थे, कैमरा बोलने, एक ज़रा सा होल करके, बिल्कुल पेन होल जितना होल करके हम आपके नी में डालेंगे, कैमरा होगा, वो कैमरा डालेंगे, कैमरा डाल के कैमरा देखेगा कि कौन सा टिश्यू फट के आपके जो चबनी हड्डी है उसको तंग कर रहा है, तो फिर उस कैमरे से जब पता चल जाएगा आपको कि कहाँ से टिशू डैमेज है, तो फिर वो टिशू काट के निकाल देंगे। तो अल्लाह ना करे ऐसी कोई सर्जरी हो यार, मुझे तो डर लग रहा है सोच के, सोचो घुटने के अंदर कैमरा डाल देंगे, अजीब पागल। अब वो सोचो कि वो इतनी पुरानी चोट मेरी, क्या तोता पल गई है। इसलिए कहते हैं जब कोई चोट लगे ना तो सीरियसली लेनी नहीं चाहिए, नहीं लिया मेरी चोट को किसी ने सीरियस, मैं अगर रोती ज़्यादा हूँ तो इसका क्या मतलब है, मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, मुझे चोट नहीं लगेगी, मुझे दर्द नहीं होता। एनीवेज तो खैर ये चल रहा है, और बस यही चल रहा है अभी। एक्सरसाइज भी उसने मुझे सिर्फ वॉकिंग वॉकिंग बोली है, तो जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ वो लेजलीज वॉक, आप लोगों को पता होगा जो लोग करते हैं वो करती हूँ, क्योंकि कोई स्क्वाट्स नहीं कर सकती, लंजेस नहीं कर सकती, ज़मीन पे नहीं बैठ सकती, स्क्वाट पोजिशन में नहीं जाना, किक्स नहीं करनी, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करके सिर्फ जो वॉकिंग एक्सरसाइज है जिसमें हाथ हाथ ऐसे 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 होते हैं हल्के हल्के वॉक्स, साइड वॉक्स, आगे पीछे वॉक्स, ये बस ये करी, क्योंकि ज़ाहिर है सिर्फ डाइट कायम बोल रही हूँ, डाइट काम नहीं करती। PCOS में आपको डाइट के साथ साथ एक अच्छा वर्कआउट करना पड़ता है, और मैंने यही सोचा था अभी दावत के बाद, मैंने यही सोचा था दावत निमट जाएगी, मंडे से मैंने करना है फुल एकदम धासू वर्कआउट, मतलब जान मार वाला मैंने सोचा हुआ था वर्कआउट करना है, और जान मार यहाँ तो टांग मार मेरी पड़ गई है जी, तो मैं वर्कआउट ऐसे सही से प्रॉपर नहीं कर पा रही, पर फिर भी जितना थोड़ा बहुत हो रहा है वो मैं कर रही हूँ। तो ये थी आज की ताज़ा खबर, नाश्ता मेरा हो चुका है, 3 तरबूज बचे हैं बस, वो भी खाती हूँ, और 11:30 हो गए हैं बातें करते करते आप लोगों से, तो उसके बाद फिर सोहा को लेने जाऊंगी, 1 बजे उसका स्कूल होता है ऑफ, 9 से 1 वो जाती है, तो मैं सुबह ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सारा दिन सोहा के साथ ना, सोहा बहुत नचाती है, वो थका देती है, फिर रात में हिम्मत नहीं होती, तो उसके जाने के बाद मैं वर्कआउट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत हल्के फुल्के, जैसे भी होता है ना टूटी टांग से वैसे कर लेती हूँ, बस अपनी नी पे स्ट्रेस नहीं आने देती, क्योंकि वो मना किया है डॉक्टर ने, वॉक उसने बोला है कि वॉक ज़रूरी है, क्योंकि वॉक आपका जो नी है वो ऐसे मूव होगा ना, तो वो भी अच्छा है नी के लिए, ताकि अगर कोई चीज़ ऐसी है तो वो नी के उससे प्रेशर से दब जाएगी। और सही बात है, मेरा बहुत टाइम से कोई वर्कआउट भी नहीं हो रहा था, शायद इस वजह से भी, और मेरा वेट भी बढ़ गया था, तो मुझे लग रहा था कि
इसकी वजह से भी तकलीफ़ मेरी बढ़ सकती है, वरना क्या मतलब। और मुझे तो ये टेंशन हो रही थी कि क्या जब भी मैं सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ूँगी उतरूँगी या ज़्यादा काम करूँगी तो क्या मेरे नी में प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मतलब आई एम ओनली 32। कोई बात नहीं, बढ़ रही उम्र, पर फिर भी एज इज़ जस्ट अ नंबर। अभी कोई मैं कोई 50 साल की थोड़ी हुई हूँ, तो मुझे ये नहीं है कि भाई मैं कुछ करूँ दावत हो गई या ज़्यादा कुछ उछल कूद कर ली या ज़्यादा चल लिए तो दर्द हो गया घुटने में, ये कोई वो नहीं होती लाइफस्टाइल। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा वज़न कम करते हैं, दवा भी लेते हैं और फिर एकदम हेल्दी होते हैं अंदर से भी बाहर से भी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग दुआ कीजिएगा कि सर्जरी की तरफ ना जाए चक्कर, और फिजियोथेरेपी और दवा और मैं जो वेट लॉस कर रही हूँ उससे ही मुझे फ़ायदा हो। बस यही बताना था आप लोगों को। इस वजह से आजकल कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही ना, कि ज़्यादा देर टांग मोड़ के मैं बैठ नहीं पाती। अभी भी टांग सीधी करके लेटी हूँ, दिखाती हूँ आपको टांग कैसे रख के बैठी हूँ। ये देखें, ये टांग है ये वाली, तो ये सीधी करके ही बैठी रहती हूँ, ये मोड़ नहीं रही ना ये अभी सही। तो इसलिए कुछ ज़्यादा वीडियोज़ बन नहीं पा रही, बस खाना बनाती हूँ, फ़ौरन किचन में जाती हूँ खाना बनाती हूँ, आ जाती हूँ लेट जाती हूँ टांग सीधी करके, फिर थोड़ा सा कुछ करती हूँ फिर लेट जाती हूँ। तो क्योंकि डॉक्टर ने बोला है ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी नहीं उतरनी, इवन उसने बोला है कि आपको टेढ़े मेढ़े रोड्स पर नहीं चलना। मतलब सोचो पाकिस्तान में अंदर, सॉरी कराची में, पाकिस्तान में तो होंगे कहीं ना कहीं सही रोड्स, पर कराची में कहीं सही रोड है, मतलब सोहा को लेने जाती हूँ मैं, इतने गड्ढे पड़े हैं, दिमाग ख़राब, और हमारी तो हैं ही सीढ़ियाँ। तो खैर बहुत धीमा 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 करके उतरती हूँ मैं सीढ़ियों से। तो बोल रहे बिल्कुल फ्लैट सरफेस, आपको वॉक करनी है पर बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे करनी है। इसी वजह से थोड़ी सी आउट ऑफ डेट चल रही हूँ मैं, आप लोग को व्लॉग्स नहीं मिल पा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पा रही। कुछ करूँगी, कोई एक्टिविटी करूँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रही, बस जा रही हूँ खाना बना रही हूँ आके लेट जा रही हूँ। अब ये व्लॉग मैं शूट करके डालूँ तो आप लोग भी पकेंगे ना कि ये क्या है, बस खाना बनाया लेट गई, खाना बनाया लेट गई, फिर कुछ करा लेट गई, फिर कुछ करा लेट गई। तो घर के काम होते हैं चुटपुट के, कुछ एक्स्ट्रा कुछ हो नहीं रहा जो मैं आप लोग को दिखाऊँ। जैसे ही कुछ टांग बेहतर होती है और कुछ होती हैं चीज़ें सॉर्ट, तो फिर मैं आप लोग को व्लॉग्स दिखाऊँगी। वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, बस आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें, और करवाना नहीं भूला करें अपने आसपास दोस्तों, और बताएं मेरे चैनल के बारे में, प्रमोट करो यार, मुझे प्रमोट करो यार, व्हाट इज़ दिस, मैं कैसे कमाऊँगी इससे अगर आप लोग मेरी हेल्प नहीं करोगे। तो चलो जल्दी जल्दी मेरी हेल्प करो, ठीक है। इसी के साथ मैं चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।